वेलकम टू एसएससी मेडी जी। इसीलिए मैं आपसे कह रहा था कि मेंस की तैयारी में लग जाओ, मेंस की तैयारी में लग जाओ, कट ऑफ की चिंता मत करो। और जो लोग समझदार थे वो लोग एसएससी सीजीएल 2018 मेंस की तैयारी में लग गए हैं कट ऑफ की चिंता छोड़कर। लेकिन कुछ लोग अभी भी इस दुविधा में उलझे हुए हैं कि उनका कट ऑफ क्रैक होगा या नहीं होगा। तो जैसा कि मैंने कहा था कि एसएससी का ऑफिशियल नोटिस आ चुका है, जिन लोगों का भी टफ शिफ्ट में आएगा, हिस्ट्री को देखते हुए एसएससी में जिनका भी टफ शिफ्ट में था उनको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। उनके जो मार्क्स हैं 50 से 60 या उससे भी ज़्यादा बढ़ सकते हैं। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ पूरा का पूरा आपको डिटेल में बताऊँगा। यार इसीलिए मैं कह रहा था कि आपको कट ऑफ की चिंता मन नहीं करनी है, क्योंकि इस बार जो नॉर्मलाइजेशन है, नॉर्मलाइजेशन को आप मजाक समझ रहे हैं। ये पूरा का पूरा गेम चेंजिंग फैक्टर है नॉर्मलाइजेशन। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि जिस तरह से पैटर्न बदला है एग्जामिनेशन का, उस पैटर्न बदले हुए पैटर्न के हिसाब से आपको तैयारी करनी है। इस बार जो नॉर्मलाइजेशन का आपको बेनिफिट मिल रहा है वो इसलिए मिल रहा है कि पैटर्न काफ़ी ज़्यादा बदल गया है, चाहे रीजनिंग हो चाहे मैथ्स हो, उस हिसाब से लोग क्वेश्चंस को कर नहीं पाए। तो आपको तैयारी भी उसी हिसाब से ही करनी है। कहीं ऐसा ना हो कि आप प्रीवियस ईयर के मतलब वही आसान आसान क्वेश्चन कर रहे हैं, फिर से आप मैथ्स में क्वेश्चन करके नहीं आ पा रहे हैं मेंस में, कि पेपर कैलकुलेटिव था, हम टाइम नहीं कर पाए, क्वेश्चन अजीब थे। एक्चुअली कुछ अजीब नहीं है, आपको सिर्फ आपको समय के अनुसार बदले हुए पैटर्न के हिसाब से आपसे आपको ढालना है। एक्चुअली पूरा मैटर क्या मैं आपको बताने वाला हूँ। उसके पहले अभिनय शर्मा सर का जो कोर्स है मेन्स एसएससी सीजीएल 2018 मेन्स स्पेशल का, 1 जुलाई से स्टार्ट हो चुका है और 4 सितंबर तक ये कोर्स पूरा चलेगा। फ्री टेस्ट सीरीज, पीडीएफ क्लास नोट और 40 प्लस एजुकेटर्स के आपको कोर्सेस मिलेंगे 2 साल की वैलिडिटी के साथ। ये फैसिलिटीज आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। सब दूसरे टीचर्स के कोर्स तभी तक वैलिड होते हैं जब तक उनका कोर्स चल रहा होता है। और एसएससी में रेफर कोड यूज करने पर आपको 10% डिस्काउंट के साथ 1 मंथ वाला 900 रुपये पड़ेगा। और सबसे बेस्ट प्लान रहेगा आपके लिए 3 मंथ वाला जो आपको 2250 में मिलेगा। आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल सकता है अगर आपके पास एक्स्ट्रा क्रेडिट है, मतलब आपके पास 2000 रुपये में लगभग ये कोर्स पड़ेगा। इसके लिए आपको करना क्या है, एसएससी में अनअकैडमी की एप्लीकेशन डाउनलोड करनी, प्लस में जाना है, गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करना है, एसएससी एग्जामिनेशन को सेलेक्ट करना है। इन चारों में से कोई भी एक प्लान सेलेक्ट कर सकते हैं। एसएससी मेड रेफर कोड यूज करने पर आपको कहीं भी स्पेस नहीं देना है, ना ही बीच में ना ही लास्ट में। एक्चुअली मैटर क्या है, पूरा का पूरा आरटीआई लगाई गई थी एसएससी सीजीएल से 2018 से रिलेटेड, और इसमें नॉर्मलाइज मार्क्स के बारे में पूछा गया था। इसमें पूछा गया था और इसका जो रिप्लाई आया है, द मैक्सिमम नॉर्मलाइज स्कोर इन एसएससी सीजीएल 2018 टायर 1 कैन बी मोर देन मैक्सिमम मार्क्स एग्जाम्पल 200+। मतलब एसएससी ने साफ साफ कह दिया कि जो नॉर्मलाइज स्कोर है मैक्सिमम, वो एसएससी सीजीएल 2018 टायर 1 में 200 के पार कर जाएंगे, 200 से ज़्यादा होंगे। ये इसका लाइव एग्जांपल आपने कहाँ पे देखा था, इसका लाइव एग्जांपल आपने आरआरबी ग्रुप डी की एग्जामिनेशन में देखा था और आरआरबी एलपी में एग्जामिनेशन में देखा था, जहाँ पर लोगों के जो नॉर्मलाइज स्कोर है 200, एक्चुअली 100 नंबर का पेपर था तो 200 को पार करके 200-300 कितने के पहुँच गए थे। मतलब कुछ तो चीज़ें फेक थी और कुछ चीज़ें काफ़ी ज़्यादा रियल थी। और वहाँ पर आपने देखा होगा कि एक स्टूडेंट्स जिसका मार्क्स 48 मार्क्स हैं या 45 मार्क्स हैं, उसका नॉर्मलाइज होकर 90 नंबर हो गया था, किसी का 90 के पार भी चला गया था और उसने आसानी से टेस्ट को क्वालिफाई कर लिया था और उसने ज्वाइनिंग भी कर लिया है। मतलब ये डिपेंड नहीं करता है कि आपके मार्क्स कितने कम है, आपके पेपर के लेवल पर डिपेंड करता है। और जिन लोगों का पेपर टफ था, यकीन मानिए उनके जो मार्क्स हैं वो ड्राफ्टिकली बहुत ज़्यादा प्रमाण में बहुत ऊपर तक जाएंगे। तो मतलब आपको अब टेंशन लेना नहीं है। इस बार जो नॉर्मलाइजेशन है ये एसएससी ने एक्चुअली टीसीएस अप्लाई करेगा, पूरा का पूरा कंपनी के पास है ये, और आपके मार्क्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ेंगे जैसा कि रेलवे में हुआ था। तो निश्चिंत होकर पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आप मेंस की तैयारी कीजिए और नए नए डिफिकल्ट क्वेश्चन, जो नए नए पैटर्न बता उस पैटर्न के हिसाब से तैयारी कीजिएगा। ये नहीं कि पिछले लास्ट ईयर के प्रीवियस ईयर आसान क्वेश्चन लेके बैठ गए, फिर से मेंस में कुछ नहीं कर पाए। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, इस बेल आइकन को जरूर दबाइए जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।